हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कोई स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिए हैं उनका निगेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट इज तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं है तो यहाँ पे नॉट की एंट्री होगी और जो नॉट वर्ड है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। इन केस अगर स्टेटमेंट नॉट है तो उस नॉट को रिमूव करेंगे। आंसर होगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नॉट है तो नॉट रिमूव हो जाएगा। तो आंसर होगा 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 इज रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सो आंसर इज रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4th इज पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागॉन। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागॉन बिकॉज यहाँ पे नॉट है तो नॉट रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th इज 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 5। सो 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 क्योंकि यहाँ पे नॉट की जगह यहाँ पे सिंबल्स है तो हमें हम लोग क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल मेन आर एनिमल्स। सो यहाँ पे ऑल वर्ड है, जहाँ पे ऑल वर्ड होगा वहाँ पे सम वर्ड यूज करेंगे और नॉट की एंट्री करेंगे। सो आंसर इज सम मेन आर नॉट एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज माइनस 3 इज अ नेचुरल नंबर। सो आंसर इज माइनस 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 इज इट इज फॉल्स डैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सोल्यूशन तो इट इज फॉल्स डैट यहाँ पे हट जाएगा, नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 5 तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू हट जाएगा और वहां पे आएगा इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू जो है निगेशन का फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1st इज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सो सोल्यूशन तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, सो p इक्वल टू रूट 5 इज अ रैशनल नंबर और ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, रूट 5 का एक रैशनल नंबर है। So, यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, निगेशन ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे निगेशन का फाइंड आउट करना है। सो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2nd इज लंडन इज इन इंग्लैंड। सो लेट पी इक्वल टू लंडन इज इन इंग्लैंड। सो यहाँ पे जो पी की ट्रूथ वैल्यू ये क्या ट्रू है और इसका निगेशन फाइंड आउट करना है तो निगेशन ऑफ टी ये क्या होगा, फॉल्स। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3rd इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स प्लस 3 लेस देन 8। सोल्यूशन तो लेट पी इक्वल टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स प्लस 3 लेस देन 8। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ एफ क्या होता है, ट्रू होता है। आई होप आपको समझा होगा कि कोई स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उस निगेशन की ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching.